हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एसीसी 120 फरवरी 2019 का पेपर 2, जो कि करंट एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं सीजेट। फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें। वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस पेपर स्लाइड के थ्रू रखा गया है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। जब तक आप पहला स्लाइड खत्म नहीं किए हो, तब तक आगे नहीं जाना है, ओके? तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन काफी अच्छा था। ग्रेव्स डिजीज इज द इलनेस ऑफ द डैश। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस 1 to 8 आप सॉल्व कर लो खुद। जो सीजेट अपना है पेपर, वो काफ़ी आसान पेपर है, बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। इसमें बायोलॉजी का काफ़ी बड़ा हिस्सा रहता है। क्वेश्चन का नाम है करंट एंड जनरल अवेयरनेस, लेकिन इसमें बायोलॉजी का काफ़ी बड़ा हिस्सा रहता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, आप सारे क्वेश्चंस देख पाओगे। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया था। मेरा इस पेपर में नियरली 99 क्वेश्चन सही था 115 से। तो फ्रेंड्स, और एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो मैंने साइड में लेफ्ट हैंड साइड में टिक और गलत लगाया हूँ, वो मेरा जो क्वेश्चन सही था वो मैंने टिक लगाया हूँ, जो गलत था वो गलत लगाया हूँ। आप उस टिक के थ्रू कुछ भी नहीं जाना है। जो आपको सही आंसर है आपका, वो सही आंसर। जो मैं टिक मारा हूँ उस बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं हूँ, उसमें गलती है तो मेरा है, तो आप वो टिक के थ्रू नहीं जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 से 19 तक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। बायोलॉजी आपको बहुत अच्छा पकड़ मजबूत करना पड़ेगा एसएससी क्लियर करने के लिए। और करंट अफेयर आप लोग डेली देखिए। देखो, एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसरो हैज प्लान्स टू लॉन्च गगनयान। ये क्वेश्चन आप डेली करंट अफेयर के साथ अपडेट नहीं रहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि स्ट्रेटिक जी के भी काफ़ी सारा आया था, द न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स इज लोकेटेड एट कहाँ पे, जहाँ जो कि संघाई में है। तो ये सारे स्ट्रेटिक जी के काफ़ी महीना रखता है। जैसे कि 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ HRD मिनिस्ट्री नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI हैज बीन डेवलप्ड बाय IIT खड़गपुर। ये क्वेश्चंस आप करंट अफेयर के साथ टॉस नहीं रहोगे तो नहीं कर पाओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, मैं ऐसे बात बोलते बोलते जाऊंगा, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो। प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, मैं भी इस बार SSC 120 क्वालिफाई किया हूँ। आई एम गोइंग टू अटेंड SSB इन जून, ओके फ्रेंड्स। मेरा स्ट्रेटेजी ऐसा था, सुबह अपना पैरेड शुरू होने से पहले मैंने 1 घंटा डेली करंट अफेयर को देता था। करंट अफेयर जो है, आप अगर यूट्यूब से किसी एक चैनल, मैं तो सजेस्ट करूंगा StudyIQ इज द बेस्ट चैनल। अगर आप करंट अफेयर डेली अपडेट रहते हो तो आप करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके बिल्कुल आपका कवर हो जाएगा। स्टैटिक जीके मीन्स उसमें हिस्ट्री भी आ जाता है, ज्योग्राफी भी आ जाता है, और बायोलॉजी भी आ जाता है, फिजिक्स भी आ जाता है। ये सारे आपका कवर हो जाएगा अगर आप यूट्यूब में StudyIQ के साथ कनेक्ट रहते हो। बच गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स दोस्तों एक ऐसा चीज़ है जिसको आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन ये करंट एंड जनरल अवेयरनेस का है तो मैं उसके बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, और कुछ क्वेश्चंस, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आया था कंप्यूटर से, ओके फ्रेंड्स। तो कंप्यूटर आप काफ़ी अपडेट रहना चाहिए कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा है, और आपको जैसे पता है कि SSC एग्जाम देने के लिए 27 ईयर चाहिए। देखिए, ये सारे कंप्यूटर का क्वेश्चंस पेपर 32, विच सेट रूल्स इज एप्लीकेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ फाइल्स ओवर इंटरनेट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP, हार्ड डिस्क ड्राइव इन द कंप्यूटर इज डैश टाइप ऑफ स्टोरेज, सारे देखिए क्वेश्चंस पेपर। हाँ, हार्ड डिस्क ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर इज डैश टाइप ऑफ स्टोरेज, दैट इज ए नॉन वोलेटाइल। हम लोग को पता है रैम रेंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी,
ये सारे वोलेटाइल हैं, लेकिन हेडेक्स नॉन वोलेटाइल, मीन्स इसमें इरेज नहीं होगा, जो भी डाटा रहेगा वो स्टोर होके रह जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हु वाज अवार्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर 2018 अलोंग विद विराट कोहली। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया और आपने में भी पूछा दिया, इस मीराबाई चानू। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड। हु इज नोन एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया? मिल्खा सिंह, सबको पता होगा आपको, इससे आपको सारे क्वेश्चंस करना है। नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन सेनरी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 9th January, तो मैंने इसको गलत करके आया था, 7th January करके आया था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड। हु इज द प्रेजेंट चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? YS रेड्डी, सॉरी KB चौधरी आंसर होगा, लेकिन मैंने गलत करके आया था, तो उसमें नहीं जाइए, आप जो सही है उसी के थ्रू जाइए। द फर्स्ट एटम बम वाज ड्रॉप्ड इन व्हिच सिटी? आप सब लोग को पता होगा, हिरोशिमा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो फ्रेंड्स आप इसको भी पॉज करके आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए है, 78 to 88 क्वेश्चंस। आयुष्मान भारत प्लान्स टू कवर 50 करोड़ बेनिफिशियरीज विथ ए डेफिनेट बेनिफिट कवर ऑफ, कितना पैसा था? 5 लाख का इंश्योरेंस था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आप लोग सारे क्वालिफाई कर सकते हो। इस बार 3045 कैंडिडेट्स आर क्वालिफाइड इन ACC 1 to 0, फ्रॉम देम ओनली 70 to 19 कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग इन ACC विंग। ओके फ्रेंड्स, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो SSB देने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए पहला स्टेप है, हमको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आप लोग काफ़ी अच्छा से पढ़ाई कीजिए, आर्यन का बुक को फॉलो कीजिए, यूट्यूब जाइए, बहुत अच्छा अच्छा चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चंस 101 से 112 तक हैं, जिसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। व्हिच कंट्री होस्टेड द फिफा वर्ल्ड कप 2018? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रशिया में हुआ था और क्रोएशिया को हराकर फ्रांस ने चैंपियन बना था, आप सब लोग को पता होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 113 से 123 तक है क्वेश्चंस, मेरा इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हुआ है, लेकिन आप लोग सही देख के टिक करोगे, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। तो फ्रेंड्स, जो लोग SSC का फॉर्म भरे नहीं लेकिन देने को चाहते हैं और डेट खत्म हो गया, वो लोग HRDC को जाइए और HRDC के थ्रू कॉन्टेक्ट कीजिए, डेफिनेटली वो लोग एग्जाम अपेयर कर सकते हैं। और वो लोग लेकिन फॉर्मेट बना के लेना चाहिए, यूनिट से जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो लोग लेके जाइए, क्योंकि काफ़ी सारा बंदे अटेंड नहीं करते हैं एग्ज़ाम, बहुत सारा सीट क्वेश्चंस पेपर खाली पड़ता है। तो आप लोग जाओगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हो और आपका ड्रीम को फुलफिल कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये एक बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन था। 129 द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग द एयरफोर्स कमांड इज डिजिग्नेटेड आज, ये मेरे पास एक एयरफोर्स का बंदा था, वो भी कंफ्यूज हो गया, लेकिन FOC in C में जो टिक मार के आया था बाय लॉक, मेरा वो सही हो गया था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, 133, हु वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व द सन स्पॉट्स? अच्छा क्वेश्चन है, गैलीलियो। तो आप वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस? आप सब लोग को पता है, यूरी गागारिन। एंड बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट इन द इंडिया हैज लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ राइस? फ्रेंड्स, ये मैं कंफ्यूजन में लगाया था वेस्ट बंगाल, लेकिन आप लोग एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना अच्छा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, एंड ये आपका आखिर स्लाइड, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अमेजन। ओके फ्रेंड्स, ये था आज का डिस्कशन, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज,
आगे आगे मैं और भी ज्यादा वीडियो डालते जाऊंगा यूट्यूब में, क्वेश्चंस पेपर का, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एक बंदा का स्ट्रेटेजी किसा होना चाहिए एसीसी क्वालिफाई करने के लिए, आज ए सोल्जर टाइम नहीं मिलता है, कैसे हम टाइम निकालेंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।